एक बंदा जो इस डेफिनेशन के मुताबिक इफ यू कैन नॉट कंट्रोल योर इमोशंस हाउ कैन यू बी फिजिकली हेल्दी. सिर्फ तुम्हें लग रहा है ये फिजिकल हेल्दी है, इसके अंदर 36 बीमारियां हैं. ये अभी चार गोलियां खा के तो बैठा हो प्रोग्राम करने के लिए. दिस इज व्हाट इट मींस. ये हो ही नहीं सकता. एक सेहतमंद आदमी की जिंदगी खराब नजर आए आपको, चीख रहे हैं ना, जो इमोशन है पॉजिटिव इमोशन भी हो सकते हैं, आपको लगता है या यूफोरिया है ना, लोगों से खुशी बर्दाश्त होती है ना लोगों से गम बर्दाश्त होता है. इस स्टेट को क्या कहते हैं आप? खुशी हो तो जनाब वो नहीं देखता कि मेरी उम्र 60 साल है कि 70 साल है, नचना शुरू कर देते हैं, चिग्गा मारने पटाखे मारने शुरू कर देते हैं, फायरिंग हो जाए, गामा हो जाए, किसी की डेथ हो जाए तो चीखा मार मार के पूरा मतलब आप परेशान किया था. ये इमोशनल डिसबैलेंस आपको नजर आ रहा है. ये डेड इज बाय इटसेल्फ इज अ साइन कि इट इज लीडिंग टुवर्ड द मेजर फिजिकल कोलैप्स. एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, बीइंग का मतलब क्या है. ओके, एक बंदे के आपके नजर आ रहा है कि इसकी दुनिया में मेरे ताल्लुकात खराब है, तो अगर आपको इन चीजों का पता चल जाए इन कवानीन का, तो एक अंधे को भी नजर आता है कि ये पॉइंट सी पे पहुंच चुका है. कोई गल नहीं, 2-3 साल के बाद यानी कैंसर होने वाला है. हमें पता है एक बंदे की बिहेवियर देख के, लाइफ स्टाइल को देख के आपको ये नजर आ जाता है ये क्या. अगर आपको होलिस्टिक हेल्थ के प्रिंसिपल्स का पता, ठीक है,